नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिसिन एजुकेशन टास्क में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मेटासार्टन 50 मिलीग्राम की जो टेबलेट मार्केट में मिलती है उसके बारे में। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो मेटासार्टन 50 है और इस टेबलेट के अंदर दो मेडिसिन का कंपोजिशन इसके अंदर मिला होता है। एक इसके अंदर मेटोप्रोलोल सक्सिनेट होता है, दूसरा इसके अंदर जो साल्ट होता है वो टेलमीसार्टन होता है। टेलमीसार्टन इसके अंदर 40 मिलीग्राम मौजूद होता है और मेटोप्रोलोल सक्सिनेट है वो इसके अंदर 50 मिलीग्राम मौजूद होता है, जो कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करता है। इसके अंदर जो मेटोप्रोलोल सक्सिनेट है वो एक बीटा ब्लॉकर की तरह काम करता है और जो टेलमीसार्टन है वो ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह काम करता है। इस मेडिसिन का मूल रूप से जो काम है वो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने में यूज किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इस दवा का यूज लिया जाता है। आगे हम इस वीडियो के अंदर इसके यूजेज डिटेल के अंदर जानेंगे कि इसके डिटेल के अंदर यूज क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सावधानी आपको कैसे रखनी है, डोज आपको किस प्रकार लेनी है और इसकी जो डोज आपकी मिस हो जाए तो उसको आप किस प्रकार से ले सकते हैं, सभी प्रकार की जो मेटासार्टन 50 है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते रहें जिससे आपको मेटासार्टन 50 के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों इस मेडिसिन को बनाने वाली जिस कंपनी का नाम है उसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल और ये जो 10 टेबलेट है इसकी वो आपको 170 रुपये या 180 रुपये के अंदर फार्मेसी के ऊपर मिल जाएगी। अब जान लेते हैं इस मेडिसिन के अंदर क्या क्या साल्ट मौजूद होते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेटोप्रोलोल सक्सिनेट जो कि एक्सटेंड रिलीज फॉर्म के अंदर होता है, इसके बारे में मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो साल्ट है वो टेलमीसार्टन होता है जो कि एक प्रकार का ARB है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसके बारे में भी मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके उसको भी अलग से देख सकते हैं। अब इस मेडिसिन के अंदर ये दोनों कंपोजिशन एक साथ में है तो इस दवा का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दवा के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इस दवा का जो यूज है वो मेनली हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में किया जाता है। जिन व्यक्तियों का BP थोड़ा ज़्यादा रहता है उन व्यक्तियों को इस मेडिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनसे उन व्यक्तियों को भविष्य के अंदर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी अगर कोई समस्या आने वाली है उससे वो बच सकें। इस मेडिसिन का यूज है वो अगर किसी व्यक्ति के हार्ट फेलियर की समस्या है तब भी डॉक्टर दे सकते हैं, अगर हार्ट अटैक आपको आया है तब भी ये डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है वो फास्ट हार्ट रेट को ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिन व्यक्तियों की फास्ट हार्ट रेट है उनको भी इस टेबलेट को दे के हार्ट रेट जो फास्ट हो गई है उसको मैनेज किया जाता है। इस प्रकार इस टेबलेट का जो यूज है वो हार्ट अटैक को रोकने के अंदर भी किया जाता है, स्ट्रोक को रोकने के अंदर भी किया जाता है और जिन व्यक्तियों का BP ज़्यादा बढ़ा हुआ है उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे जान लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट आपको क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे आपके सर में तेज दर्द हो सकता है, नोक्जिया वोमिटिंग आपको हो सकती है, थकान और कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, आपका जो BP है वो एकदम से डाउन हो सकता है, चक्कर आपको आ सकते हैं, ये कुछ साइड इफेक्ट इस दवा को लेने के बाद में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इस दवा का जब भी यूज करें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का यूज करें। अब जान लेते हैं इस दवा की डोज के बारे में। इस दवा की जो डोज है वो आपको पूरे दिन में एक टेबलेट डॉक्टर लेने के लिए बोल सकते हैं। इस दवा का जो यूज है वो आपको खाना खाने के बाद में ही करना चाहिए, खाने से पहले इस दवा का यूज आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप इस दवा का यूज कर रहे हैं तो इसको तोड़ना या चबाना नहीं चाहिए, सीधा पानी के साथ में ही निकलना चाहिए जिससे आपको इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इस दवा का यूज कर रहे हैं तो रोज़ आपको एक डेली किसी फिक्स टाइम पे ही इस दवा का आपको यूज करना है और अगर आपकी डोज अगर किसी दिन मिस हो जाती है तो आप इसको, जैसे सुबह की डोज आपको मिस हो गई है कि आपने टाइम डिसाइड कर रखा है कि मेरे को सुबह 10 बजे इस मेडिसिन का यूज करना है लेकिन आप भूल गए हैं, तो आप दिन के अंदर किसी भी वक्त इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं और आगे से इस चीज़ का आपको ध्यान रहे कि आपको ये डोज मिस नहीं करनी है। आप इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन का यूज करना आप बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जो अचानक से आपका BP बढ़ सकता है और किसी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है।
तो आप इस मेडिसिन का जितने टाइम तक आपको अपने डॉक्टर ने बोला है उतने टाइम तक आप इस मेडिसिन का यूज करें। अब जान लेते हैं आपको इस मेडिसिन का यूज करते हुए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस मेडिसिन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग करने से भी आपको बचना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप ना भूलें, जिससे ये वीडियो किसी अन्य व्यक्ति के भी काम आ सके। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।